आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, यह पहला और दूसरा हमें दिया गया है, तो इनमें से कौन से सही है ये हमें बताना है। विकल्प आपके सामने दिया गया है, केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, पहले में बोला गया है कि राफेल नडाल ने वर्ष 2013 का पुरुषों का एकल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट स्पेनी हम वतन डेविड फेडरर को हरा करके जीता था क्या? तो जी हाँ बेटा, ये वाला जो है हमारा एकदम सत्य जवाब है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर दिया गया है कि यह नडाल की प्रथम फ्रेंच ओपन टाइटल थी बेटा, तो जी नहीं बेटा, ये वाला हमारा असत्य है। बेसिकली देखा जाए तो ये वाला जो है ना नडाल का, ये वाला नडाल का 8वीं बार जीत थी, है ना, टूर्नामेंट में 8वीं बार की जीत थी, बार की जीत थी, ठीक है, ये वाला था। और जो हमारा पहला कथन है कि राफेल नडाल ने ये जो जीता था ना बेटा, ये 9 जून है ना, 9 जून 2013 को डेविड फेरर को पराजित करके पुरुषों का क्या जीता था बेटा, इसने ये टूर्नामेंट जीता था कुल मिलाकर के। तो जो हमारा पहला वाला कथन है बेटा, ये वाला हमारा सत्य है और जो दूसरा है वो असत्य है। इसका मतलब जो हमारा केवल अ है वो सही होगा और बाकी के जो कथन है बेटा ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।